हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। हालांकि गाइज, कुछ दिन पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, मैंने रियलमी के फॉन्ट को चेंज करके भी दिखाया था, लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि हमारे पास वीवो का फोन है, रेडमी का है, सैमसंग का है, और हम अपने फोन के फॉन्ट को चेंज नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने तीन फोन अरेंज कर लिए, एक रियलमी का, एक वीवो का, एक रेडमी का है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों के फोन को चेंज करके दिखाने वाला हूं, जिससे गाइस आप बहुत ही आसानी से सीख पाओगे कि कैसे फोन को चेंज किया जाता है। और गाइस, जो फोन होते हैं इनके यूआई अलग अलग होते हैं, तो तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं फोन को होम स्क्रीन पे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फोन के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। गाइस, आप यहाँ पे ये तीन फोन देख सकते हो, एक फोन रियलमी का, वीवो का, रेडमी का, ठीक है। इन तीनों में मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है जेड फॉन्ट। ये कॉमन एप्लीकेशन है, आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे रियलमी में चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फॉन्ट को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को ओपन किया है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस, आपको यहां पे काफी सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन में आपको 100 से भी ज्यादा फॉन्ट मिलेंगे, जो भी आपको पसंद आए आपको सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो भी फोन है उनके सेटिंग्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहां पे जैसे मुझे ये कॉमिक बुक जो फॉन्ट है इसको अप्लाई करना है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहां पे अप्लाई पे क्लिक करना है, और गाइस आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे। रियलमी के फोन में आपको यहाँ पे सपोर्ट डाई कैरेक्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस फॉन्ट को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे हम इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फॉन्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। आपको इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से बंद कर देना है। अब आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज एंड रीजन का, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रीजन पे क्लिक करना है, और गाइस आपको यहाँ पे म्यांमार पे टिक कर देना है। अब आपको बैक आना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट डाई कैरेक्टर का, आपको इसको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे फोन का जो फॉन्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, हर जगह ये फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह आप बहुत ही आसानी से रियलमी के डिवाइस के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसको ऑफ करना है तो सिंपली आपको सपोर्ट डाई कैरेक्टर को बंद कर देना है, ठीक है। आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है, और यहाँ पे आपको सपोर्ट डाई कैरेक्टर को ऑफ कर देना है, तो आपका जो फॉन्ट है वो पहले की तरह हो जाएगा। तो इस ट्रिक को यूज करके आप रियलमी के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वीवो में कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस फोन को रख के वीवो का लेते हैं। तो एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। अब गाइस, यहां पे हम किसी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे गाइस मान लीजिए कि मुझे कोई दूसरा फॉन्ट यहां पे हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला फॉन्ट मुझे अप्लाई करना है, डिज्नी वाला, ठीक है। हम इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहां पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पे चेंज फॉन्ट पे क्लिक करना है। चेंज फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे लोकल पे क्लिक करना है, और गाइस आपको यहां पे लोकल फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब गाइस जो फॉन्ट आपने इंस्टॉल किया था आपको यहां पे मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। यहां पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप यहां पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आपका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिज्नी वाला फॉन्ट है हमारे फोन में अप्लाई हो चुका है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो डिज्नी वाला फॉन्ट वीवो के फोन में अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से वीवो के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। गाइस आपने देखा जो सेटिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाता है। अब यही चीज चले मैं आपको रेडमी के फोन में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने रेडमी का फोन ले लिया है। अब यहाँ पे हम जेड फोन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इसके बाद गाइस हम इसमें भी एक फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस हम ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे गाइस आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। दोस्तों, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक। आपको डन पे क्लिक करके इसको बंद कर देना है।
Redmi के फोन में आपको यहां पे थीम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हो हमने जो फॉन्ट इंस्टॉल किया था यहां पे आ चुका है, तीसरे नंबर पे यहां पे शो हो रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहां पे आपको अपने फोन को रिबूट करना है तो आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिक रिबूट होगा और गाइस जो नया वाला फॉन्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूं, आप वीडियो को पूरा देखिए और अभी कुछ सेकंड में जो फोन है वो रिबूट हो जाएगा और हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो फोन है वो ऑन हो चुका है और हमारे फोन का जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। आपको यहां पे मैं दिखाता हूं सेटिंग में जाके, रेडमी का जो फॉन्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने फोन के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। गाइस इस वीडियो में मैंने आपको वीवो के, रियलमी के और रेडमी के फॉन्ट को चेंज करके दिखाया है। अगर आप सैमसंग का यूज करते हो तो दोस्तों सेम इसी तरह आप सैमसंग के भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप सैमसंग के भी फॉन्ट को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।